नमस्कार साथियों। साथियों, आखिरकार जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी की गई थी उसको लेकर कर्मचारी साथियों के जो ट्रांसफ़र आदेश हैं वह निकलना प्रारंभ हो चुके हैं। आप इस समय कार्यालय कलेक्टर जनजाति कार्य विभाग शाखा जिला दतिया का एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश देख रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक पत्र का हवाला दिया हुआ है 14/6/23 के द्वारा जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति अंतर्गत कलेक्टर दतिया के पत्र क्रमांक, उसमें पत्र का क्रमांक है और दिनांक यहाँ पर 28/6/23 के द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री दतिया के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत निम्न शिक्षक अधीक्षकों के स्थानांतरण किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें शिक्षक और अधीक्षकों के जो स्थानांतरण आदेश हैं वह जारी किए गए हैं। यदि हम इसमें देखें तो क्रमांक एक में उनका क्रम दिया हुआ है, दूसरे में कर्मचारी का नाम है, तीसरे में उनका पद दिया हुआ है और चौथे क्रम पर वर्तमान पदस्थापना है। उसके बाद में कॉलम क्रमांक 5 में नवीन पदस्थापना दी हुई है, कॉलम क्रमांक 6 में स्वरूप दिया हुआ है। यानी कि ये जो सभी ट्रांसफर आदेश हैं आप देख सकते हैं इनका स्वरूप प्रशासकीय है, यानी कि ये प्रशासकीय ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं। उक्त शिक्षक अधीक्षक नवीन पदस्थापना स्थल पर 7 दिवस के अंदर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करेंगे, ये आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। तो इस तरीके से जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग दतिया से ये काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश जो कि शिक्षक अधीक्षकों के ट्रांसफर को लेकर जारी किया गया है। तो साथी ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।